हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं BCS 011 कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर, इस सब्जेक्ट का नाम है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें बता दूं आपको, जैसे ही आप ये PDF खोलेंगे, इस PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें आप देखेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, तो इसका पासवर्ड क्या है वो मैं वीडियो के बीच में बताने वाला हूं, तो उसके लिए आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसे ही आप इस PDF को खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा PDF, और इसमें आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, और इसका PDF का लिंक डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, और पासवर्ड में वीडियो के बीच में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशन, इसके बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में मैंने ये देखिए आपको दिखाया भी है यहाँ पे, कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और फीचर है फाइव जनरेशन कंप्यूटर जो दिया हुआ है, इसके बारे में आप ये टेबल देख लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे आप जब, तो यहाँ पे आपको अगला टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU है, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। उस CPU के अंदर जो ALU होता है और CU क्या होता है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद और नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन बाय टेक्नोलॉजी जो है इसके बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ये टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसका पूरा नोट, इसके अलावा आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके नीचे और आएंगे तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अगर पढ़ाने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी 1-2 घंटे की, इस वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये नोट्स टाइप का दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उसमें क्या पढ़ना है वो भी दे देता हूँ, ठीक है। तो इस PDF में आपको सब मिल जाएगा, इसके अलावा आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने लगभग इसको अगर आपने पूरा PDF अगर पढ़ लिया है तो आप समझ लीजिए कि 90% मार्क्स तो आपके आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब के बारे में दिया हुआ है, तो क्या होता है ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब, इसमें क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं वो सब भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिमिटेशन क्या होते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्या होता है लिमिटेशन, इंटेलिजेंस नहीं होता, सेल्फ केयर नहीं होता, ठीक है, थिंकिंग नहीं कर सकता कंप्यूटर, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है लैंग्वेजेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में क्या क्या लैंग्वेजेज यूज होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ भी चुका है कि बाइनरी लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद नंबर सिस्टम, यहाँ पे बेसिक नॉलेज आप ले लीजिएगा, नंबर सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ाया भी है, तो इसको देख लीजिएगा नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम लोग और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको एक और जो बहुत ही जरूरी टॉपिक मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, यूनिकोड के बारे में, तो ये यूनिकोड है, यूनिकोड क्या होता है इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा आपका दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको और मिलेगा CPU के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो CPU क्या होता है बेसिक नॉलेज आपको ले लेना है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है प्रोसेसर के अंदर, ALU क्या होता है प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक यहाँ दिया हुआ है वो है मेमोरी यूनिट से रिलेटेड, तो मेमोरी यूनिट भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया। उसके बाद और नीचे आएंगे यहाँ पे तो मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है इसके बारे में दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका आता है। उसके बाद और हम लोग अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक चार्ट भी दिया हुआ है टेबल टाइप का, मेमोरी और उसके पर्पस क्या होते हैं, जैसे CPU का पर्पस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी का पर्पस क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी का पर्पस क्या होता है, तो इसको भी आप लोग इस चार्ट को भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, किस तरह के होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है, उसका नेचर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, मैग्नेटिक होता है, ये ऑप्टिकल होता है, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए अगला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है सेमीकंडक्टर या फिर मेन मेमोरी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में दिया हुआ, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। और नीचे आएंगे तो आपका जो अगला जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी क्या टाइप होते हैं, रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, एस रैम क्या होता है, रोम में पी रोम क्या होता है, ईपी रोम क्या होता है, ये सब भी आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे पी रोम जो दिया हुआ है पी रोम जरूर पढ़िएगा, ये भी पहले के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने वीडियो देखा है मेरा तो उसमें देखेंगे तो उसमें आया है कई बार इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पी रोम क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक मेमोरी दिया हुआ है, मैग्नेटिक मेमोरी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है आपका, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड कैपेसिटी वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है ये भी देख लीजिएगा आप लोग, छोटा छोटा है लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। और लेटेंसी टाइम क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग और नीचे आएंगे तो वॉर में और सीडी
रिकॉर्डेबल जो होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है? तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं आपके बुक में। और यहाँ पे आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी और उसके फीचर, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अगला जो टॉपिक है हमारा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद यूएसबी क्या होता है, ये सब बेसिक नॉलेज है, आप थोड़ा थोड़ा मैं इसमें देख लीजिएगा। यूएसबी तो आप डे टू डे में कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा। यूएसबी होता क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है? इस तरह से यूएसबी होता है आपका। उसके अलावा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SSCSI पोर्ट क्या होता है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद बारकोड रीडर क्या होता है, बारकोड आप देखे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं दुकान पे तो इस तरह का बारकोड होता है, ये बारकोड रीडर होता है। आप मॉल में गए होंगे तो वहां पे इस तरह का आपको दिखा होगा। उसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले टाइप में आपको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD जिसको हम लोग बोलते हैं, LCD मॉनिटर, आपने नाम सुना होगा, ये LCD टीवी LED टीवी इस तरह का नाम सुना होगा ना, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए LED भी दिया हुआ है, लाइट इमिटिंग डायोस मॉनिटर इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिक ऑफ कलर, ठीक है? तो कलर के बेसिस पे यहाँ पे कौन कौन से मॉनिटर होते हैं, जैसे मोनोक्रोम, ग्रे स्केल, कलर मॉनिटर, ये सभी आपको देखना है, ठीक है? उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर यहाँ पे दिया हुआ है साइज के बेसिस पे, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मदरबोर्ड से रिलेटेड एक टॉपिक दिया हुआ है कि मदरबोर्ड के क्या पार्ट होते हैं, जैसे ATX पावर कनेक्टर, AGP स्लॉट, CD इन हेडर, FDD हेडर, HDD हेडर, PCI स्लॉट होता है, USB हेडर होता है, तो ये सब भी आपको देख लेना है। मदरबोर्ड के पार्ट से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है आपका एग्जाम में भी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। और ये सबसे जरूरी टॉपिक मुझे ये मैं बता दूं, इससे चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। आजकल मैं बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है क्लाउड गेमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह के टर्म आपने सुने होंगे अगर आप फॉलो करते हैं टेक से रिलेटेड न्यूज वगैरह, तो क्लाउड कंप्यूटिंग बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा आपका, जहां तक चांसेस है तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, कि फीचर क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो उसकी फीचर क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग हो गया, सेल्फ सर्विस हो गया, पेपर यूजर फीचर इसमें मिलता है। उसके बाद बेनिफिट क्या होते हैं क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन के, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक और जो टॉपिक जरूरी दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, लाइसेंस सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का क्या मतलब कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, होता क्या है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग MS ऑफिस वगैरह यूज करते हैं तो ये सब जो है लाइसेंस पे चलते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है तब आप यूज कर पाते हैं, विंडोज भी लाइसेंस पे चलता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि एक इंडिविजुअल के लिए लेना है तो वो पड़ता है मतलब कि आता है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे कंपनी के लिए भी आता है, ओपन सोर्स लाइसेंस होता है, कमर्शियल यूज के लिए होता है, तो इस तरह के यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक टूल दिए हुए हैं, ठीक है? तो इसका भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा और नीचे आएंगे आप लोग, यहाँ पे आपका अगला जो टॉपिक दिया हुआ है परवर्स सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, ये क्या होता है और किस तरह से ये हार्मफुल होता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है? यहाँ परवर्स सॉफ्टवेयर एक तरह से आप बोल सकते हैं वायरसेस को बोलते हैं, ठीक है? कंप्यूटर वायरसेस जो होते हैं वो जो है परवर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कंप्यूटर वायरसेस यहाँ पे किस तरह के होते हैं मालवेयर, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करें हम लोग आपका जो PDF जो है आपका, इस PDF का पासवर्ड है 3399, ठीक है? तो ये पासवर्ड है, आप इसको एंटर करेंगे तो आसानी से आपका PDF खुल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं और क्या क्या टॉपिक है आपका। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वायरसेस के बारे में ही दिखाया गया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका। तो उसके बाद और नीचे आएंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपका जो है कुछ दिया हुआ है लॉजिक बॉम्ब्स और टाइम बॉम्ब, ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्पाईवेयर क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। कीस्ट्रोक लॉगर क्या होता है, डाटा स्टीलिंग कैसे की जाती है, ये सब भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगला जो बहुत ही जरूरी टॉपिक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसके बारे में आपको जो है पढ़ना है, ठीक है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मेनली बेसिकली अगर मैं थोड़ा समझाऊं आपको तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री होते हैं, आप मैप कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है? इसके बारे में आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। उसके बाद और नीचे आएंगे आप लोग, तो यहाँ पे जो है वही चीज दिया हुआ है और नीचे हम लोग अगर चलते हैं तो ओपन सोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, सोर्स कोड जैसे अवेलेबल होता है ओपन सोर्स वाले सॉफ्टवेयर में, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या मेन फीचर होते हैं ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल के, ठीक है? तो ये सब भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्यू
क्यूरीज क्या होती हैं इसको डिफाइन करना है, ठीक है। ये अभी क्यूरीज भी आप लोग के एग्जाम में आ चुका है। और नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्यूरीज के ही बारे में ये दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा। इनकोडर क्या होता है, चैनल क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा और नीचे आएंगे यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। यह ऑप्टिकल फाइबर इस टाइम पे बहुत ज्यादा मॉडर्न है, और मैं जो है फाइबर केबल आपने सुना होगा, जियो फाइबर, इस तरह के जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं इसे बहुत ही तेजी से आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे तो ये मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, लैंड मैन, इस तरह के आपने क्वेश्चन देखे होंगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, वीपीएन के बारे में भी आपने एड वगैरह देखा होगा। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो वीपीएन से आप अपना मैप की सिक्योर हो सकते हैं, आपका लोकेशन कोई नहीं पता कर सकता कि आप कहां से इंटरनेट यूज कर रहे हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन लैंड वैन और मैन दिया हुआ है, ये चार्ट दिया हुआ है केवल, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद राउटर क्या होता है, राउटर के बारे में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका दिया हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में। इंटरनेट एड्रेस क्या होता है, जैसे देखिए हमारा, जैसे आप कहीं रहते होंगे तो आपको कोई एक घर का एड्रेस होता है, वैसे जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपके कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, जिससे कि दूसरा आदमी कोई ट्रैक करता है तो वो आपकी लोकेशन पता कर सकता है। तो यहाँ पे इंटरनेट एड्रेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, यूआरएल क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे आप लोग तो यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं ई लर्निंग के, ये दिया हुआ है, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सोशल नेटवर्क, आपको सभी को पता ही होगा सोशल नेटवर्क, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ दिया हुआ है, लिंक्डइन, ये सब सोशल नेटवर्क हैं, एग्जांपल हैं उसके, ठीक है। और ब्लॉग क्या होता है, बेसिकली कोई भी वेबसाइट पे अगर किसी बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसको हम लोग ब्लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा आपको यहाँ पे, इसके अलावा आप कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने सारा इंपॉर्टेंट चीज कवर कर दिया है, कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।